श्रद्धा और आस्था का दूसरा नाम बागेश्वर धाम। भगवान शिव शंकर की भक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा और पुराना स्थान से जिसकी गलियां लाखा भक्ता की श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ से बागोद गांव में सामण की शिवरात्रि ने लागण आला मेला पूरे उत्तर भारत में मशहूर से तो आओ करावा साथ हमने मशहूर बागेश्वर धाम मेले और मंदिर के दर्शन। बागोद गांव में बना यो शिव मंदिर बहुत पुराना बताया गया से। इस स्थान की खास बात यह से कि इसमें स्वयंभू शिवलिंग से मतलब ईसा शिवलिंग से जो अपने आप जमीन तक प्रकट हुआ और लोगों का तो यो भी मानना से कि यो शिवलिंग साल दर साल अपना आकार बदलता रहे से। इस मंदिर के इतिहास के बारे में भक्त और गामाले बतावे से कि हजारा साल पहले इस जगह पे घने जंगल और टीले होया करे थे। उस वक्त पे एक बंजारा आसपास के जंगल में अपने ऊंट चराया करता। एक दिन बंजारे के ऊंट खोजा से तो वो उन्हें ढूंढता होया इस जगह पर आया और थक हार के उदास होके बैठ गया। कया जावे से कि बंजारे ने सपना आया जिसमें उसने भगवान शिव ने दर्शन दिए और न्यू कही कि जिस जगह तू बैठा से उसके नीचे मैं बैठा सूं, तू मन्ने जमीन तक काट दे, तेरे ऊंट अपने आप मिल जाएंगे। बंजारे ने टीले में खुदाई करी और उड़े एक शिवलिंग लिकड़ा। बंजारे ने उसकी पूजा अर्चना करी तो उसने अपने ऊंट मिल गए। या खबर आसपास के गांव वाले ने बेरा लागी तो लोग इस शिवलिंग के दर्शन करण आन लागे और सहज सहज करके यह जगह आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गई। लोगों का यो भी मानना से कि इस जगह पे कदम के पेड़, तालाब और शिवालय ऋषि मुनिया की तपोभूमि होने का संदेश भी देवे से। मानना जावे से कि भगवान श्री राम के पूर्वजा ने इस जगह पर तपस्या करी थी। उनने माता एक राजा दलीप ते भगवान शंकर ने बाग के रूप में दर्शन दिए थे जिससे इस जगह का नाम बागेश्वर धाम पड़ा था। पुराने बखत में इस जगह पे एक छोटा सा शिवालय हुआ करे था। कया जावे से कि कनाड़ा के राजा कल्याण रैबारी ने इस जगह पे यू बट्टा और भव्य मंदिर बनवाया जिसके बाद कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार और नए निर्माण करे गए। वर्तमान समय में मंदिर की देखरेख मंदिर कमेटी कर रही से जो मंदिर के महंत श्री रोशनपुरी जी के दिशा निर्देशन में हो रहा से। बागेश्वर धाम बागोद गांव में बना एक विशाल मंदिर से जिसके बाहर एक भव्य और बड़ा सुंदर द्वार बनाया गया से जितने भक्त और श्रद्धालु शीश झुका के मंदिर में जावे से द्वार ते मंदिर भवन तक खुला आंगन से उसके बाद एक बड़ा भवन बनाया गया से जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई से। द्वार ते लाइन बना के बम भोले भगवान शंकर के जयकारे लगाते उड़ भक्त और श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक जावे से। भगवान शिव की आरती धूप दीप और हवन सामग्री गेला करी जावे से। इसके पाछे सब भक्त आरती लेके शिवलिंग का के शीश नवावे से। मुख्य मंदिर के साथ में एक पुराना तालाब भी से जिसके किनारे पे पुराने कदम के पेड़ से। ये पेड़ कितने पुराने से कोई नहीं बता सकता। तालाब में भक्त नहावे से उसकी पूजा करें से और गलियाएं इस तालाब का पानी भरकर लेकर भी जाना से। बागेश्वर धाम शिव धाम के नाम तो मशहूर से और भगवान शिव की श्रद्धा का केंद्र से। इस जगह पे साल में दो बार शिवरात्रि के मौके पे विशाल मेला भरे से जिनमाते सामण की शिवरात्रि पे भरनाला मेला मुख्य मेला माना जावे से। मेले में
जब कांवड़िए कावड़ लेके आवे से तो पूरा मेला बम भोड़े के जयकारा ते गूंज उठे से। इसके साथ साथ कांवड़िया के घर परिवार आड़े ढोल बजा के उनका स्वागत करें से और मंदिर तक नाचते जावे से। लोग लुगाई बालक बुढ़े सब भगवान शंकर की भक्ति में डूब के मगन हो जा से और नाच गा के अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखावे से। भगवान शिव की कांवड़ यात्रा हरिद्वार और गंगोत्री तक चाल के बागेश्वर धाम तक पहुंचे से। शिव भक्ता की मान्यता का हिसाब ते कांवड़ चार डाल की होया करे, झूला कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़ और पेट पलनिया। झूला कांवड़ में कंधे पे पालकी धर के लाई जावे से, जिसने कांवड़िए किसी भी शिविर में झूले पे टांग के आराम कर सके से। खड़ी कांवड़ गंगा ते मंदिर तक खड़े आदमी के कंधा पर आया करे, जब कांवड़िए आराम करे से तो उनकी कांवड़ ने कोई दूसरा लेके खड़ा होगा, मतलब झूला नहीं सकता। तीसरे नंबर की कांवड़ों से डाक कांवड़, जो कई कांवड़िए हरिद्वार या गंगोत्री ते भाग के लिया से, या दौड़ एक रिले रेस की तरिया वैसे जो गंगा ते चाल के सिद्धि मंदिर में रुकया करे। इसके बाद आवे से पेट पलनिया कावड़, जो कई भक्त पेट का बड़ लेट लेट के लिया से। कावड़ चाहे किसी भी हो, सबका एक के मकसद रह से और वो से भगवान शिव की भक्ति। अपने भगवान ने राज्यीकरण खातर भक्त अलग अलग ढाल की मेहनत करके कष्ट उठाकर यात्रा करें से। डाउनलोड करें स्टेज ऐप।